मीनू जी, शानदार भव्य शो हो रहा है प्रधानमंत्री जी का अहमदाबाद में। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन बहुत अच्छा शो हो रहा है। सब तरफ भीड़ खड़ी है, शेर आया ये नारे लग रहे हैं। ये शेर आया का नारा योगी आदित्यनाथ से चुरा लिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो हमारा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश का वो तैयारी करता है कि इस तरह के नारे पहले लग जाएं, शेर आया, फिर वो वीडियो क्लिप करके वायरल की जाती है। तो शेर आया में अहमदाबाद में नारे लग रहे हैं। अब योगी जी में और मोदी जी में चैलेंज होगा कि शेर कौन है। अगर मोदी जी 130 क्रॉस कर जाएंगे तो जो विपक्ष वाले खेमा है, भाजपा का जो विपक्ष, अंदरूनी विपक्ष है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान, इनको परेशानी पैदा होगी। मामला 105 तक रह गया तो शायद मोदी जी कमजोर होंगे। ये जो भव्य रोड शो है, ये क्या संकेत दे रहा है और आज के पहले चरण के मतदान से क्या संभावनाएं नजर आ रही है मीनू जी? जी संजय जी, देखिए ये कैसा शेर है जो हजारों सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में आ रहा है, उसके आगे आगे भाग रहे हैं सुरक्षा कर्मी, लोगों को धकिया रहे हैं। शेर के आने से तो पब्लिक डर जानी चाहिए, यह पब्लिक को डरा रहे हैं। सिक्योरिटी, इतनी भारी सिक्योरिटी में शेर आया, वो शेर नहीं है, वो कुछ और ही है। वो शब्द तो क्या इस्तेमाल करें, तो जो वो जो इसका मतलब अंदर खरे डर लगता है शेर को, जो इतनी भारी सिक्योरिटी के अंदर जो शहर के अंदर आया है, अपने ही लोगों से मिलने आया है। तो और वो जो इसमें दूसरा सवाल मेरा ये है इस रोड शो से, ये 50 किलोमीटर लंबा रोड शो है और इसमें प्रति किलोमीटर का खर्चा क्या हुआ होगा? आप देखिए कि इतनी भारी सिक्योरिटी, एसपीजी प्रोटेक्टी है प्राइम मिनिस्टर, तो चुनाव के भी मद्देनजर आप स्टार प्रचारक है, उसके बावजूद ये पर किलोमीटर, इस 50 किलोमीटर के उसमें खर्चा कितना आया होगा? करोड़ों जी। मीनू जी, क्या गरीबी वाली बात कर रही हैं आप, पैसे की कमी है बीजेपी। राकेश जी के मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी ने पिछली बार बताया था कि जितना 175 कितने करोड़ राकेश जी फंड आया था, बॉन्ड से आया था, वो सारा पैसा तो 90% तो बीजेपी पे आया था। इस बार भी अभी 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 इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे ज्यादा 98% बीजेपी खाते में बिके हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी जो कल परसों रिपोर्ट आई है उसमें 98%। तो मीनू जी, कहां आप पैसे की कर रहे, पैसे की क्या कमी है? पीछे अंबानी भैया खड़े हैं, तो कहते हैं कि कहां आप? हां नहीं, ठीक है, गुजरात बहुत अमीर स्टेट है, देश का होना चाहिए। लेकिन जो आपने अभी कहा कि नैतिक तौर पे, अब नैतिकता इसमें खर्चे को लेके भी है। एक तो चुनावी नैतिकता से का सरोकार है इसमें कि आप बराबर में निकाल रहे हैं उसको, और दूसरा सरोकार ये भी है कि इसमें आप खर्चा देखिए, मेरे हिसाब से तो करोड़ों रुपए का रोड शो है, करोड़ों को एक पूरे चुनाव का खर्चा एक तरफ और इस रोड शो का एक तरफ। और सॉरी टू से, वो रोड शो नहीं, वो तो अलविदा शो लग रहा है। आप उसमें देखेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी नमस्कार करते हुए फूलों से सजी हुई गाड़ी में जा रहे हैं, वो एक मतलब ऑप्टिक्स बहुत अच्छे नहीं है। मैं अपनी उससे बोलती हूँ कि ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है, जिस तरीके से मोदी सजे हुए गाड़ी में और उनकी फ्रंट में फोटो लगाई है। जिसने भी ये आइडिया दिया है, बहुत गलत आइडिया दिया है, अच्छा आइडिया नहीं है ये प्रधानमंत्री के लिए। तो ये तो उसकी रोड शो के ऊपर मेरी ये है, लेकिन इस रोड शो की भी जरूरत क्यों पड़ी? ये भी चुनाव से सीधा इसका ताल्लुक है, क्योंकि अपनी जो है जमीन जो है पैरों तले खिसकती दिखाई दे रही है। ये जो कम मतदान हुआ है, ये अच्छे अलामत नहीं है भाजपा के लिए। जिस अभी अमिताभ जी बात कर रहे थे नर्मदा तापी के, वहां पे उनकी सब डांग और तापी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, वो ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट में 14 सीटें हैं साउथ गुजरात की, उसमें से 7 बीजेपी के पास है, बाकी कांग्रेस के पास है। तो अगर वहां पे भारी मतदान हुआ है तो आजू बाजू भी उसका असर पड़ा होगा जरूर। तो इसका मतलब ये है कि वहां सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की, ट्राइबल साउथ गुजरात का जो ट्राइबल इलाका है वहां पे कांग्रेस की सीटें बढ़ने वाली हैं, और ये फिर खतरे की घंटी है। जबकि भाजपा ने, मोदी की जो सरकार है वहां, जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने गुजरात में बहुत काम किया है पिछले दिनों इन ट्राइबल एरियाज के लिए। उनको क्योंकि उनको ये था कि जो हमारी सौराष्ट्र या कच्छ में सीटों में जो कमी आएगी, उसकी क्षतिपूर्ति हम ये ट्राइबल एरिया से करेंगे। तो इसके मद्देनजर, और ट्राइबल एरिया ट्रेडिशनली कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो इसमें
कांग्रेस को डेफिनेटली इसमें फायदा मिलेगा। दूसरी बात है सौराष्ट्र की, सौराष्ट्र में भी मतदान बहुत बहुत कम हुआ है उम्मीद से, पिछली बार 68% था, अब देख अभी देखना है कि 62% तक मेरे पास खबर आई थी 5:45 बजे तक, तो उसमें ये बोल रहे थे कि 2-4% और बढ़ेगा आगे, उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो अब सौराष्ट्र जो है और सौराष्ट्र और कच्छ है वो तो वहां पे कांग्रेस डेफिनेटली हमेशा से अच्छा करती आई है, और पिछली बार जो सीटें में जो बढ़त आई थी वो उसी इलाके की वजह से आई थी। तो जो ये कहा जा रहा था कि भाई पटेल वोट जो है वापस चला गया है बीजेपी में, भाई जो 2017 में जो पटेल वोट कांग्रेस की तरफ आया था वो ये कहा जा रहा था कि वो 2022 में वापस चला गया है, लेकिन वोट परसेंटेज बता रहा है कि ऐसा बहुत भारी उलटफेर हुआ नहीं है। लेकिन अभी कुछ भी कहना, कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत अर्ली होगा। नंबर एक तो सही परसेंटेज कितना हुआ है पोलिंग का यह भी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर नहीं किया है, और दूसरे रिजल्ट आने के बाद इसका डिटेल एनालिसिस उसके बाद किया जाएगा। दूसरी बात, ईशोदान गढ़वी की जो सीट है जाम कोंडरना कुछ ऐसा नाम है, उधर भी उस जिले में भी बहुत कम मतदान हुआ है, मतलब बहुत ही कम कह रहे हैं, सबसे कम मतदान उसी जिले के अंदर हुआ है, तो वहां भी सीट जो है ईशोदान गढ़वी की भी संकट में लगती है मतदान को देखते हुए। तो जो आज का मतदान तापी जिले में सबसे ज्यादा 72% मतदान की खबरें आई हैं, ठीक है, तो काफी काफी भारी मतदान है। तो उसमें जो है ये जो ईशोदान गढ़वी की सीट, इस हिसाब से अगर वोट परसेंटेज देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई वो जीतने जा रहे हैं वहां से। बाकी का तो अब ये सूरत का जो है इसकी इसका क्या निकलेगा नतीजा, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। जब तक वोट परसेंटेज पता नहीं चलेगी, जब तक बहुत कुछ श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से जन धन तन मन धन दुनिया भर के संसाधन, देश का पूरा तंत्र जो सरकार को पूरी झोंक रखा था इसमें चुनाव में, लगता है अब तक का मतदान ये बताता है कि उतने आशानुकूल नतीजे नहीं आने वाले हैं। लोग तो ये बता रहे हैं जो लोकल वहां के राजनीतिक पंडित है कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है ये मतदान, जो जिस जो परसेंटेज वोट की है, तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है नतीजा।